ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर में निजी स्कूल संस्थान के छात्रों को ज्वाली से डलौजी ले जा रही बस पलट गई। छात्रों का इलाज नूरपुर के सिविल अस्पताल में चल रहा है। ऐसा ही एक हादसा पहले भी नूरपुर के स्कूली बच्चों के साथ हो चुका है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। नूरपुर में एक निजी बस पलट गई है। निजी शिक्षण संस्थान के छात्रों को ले जा रही बस अचानक ही सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें लगभग 40 छात्र सवार थे। घायल छात्रों का नूरपुर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। निजी संस्थान के छात्रों को ज्वाली से डलहौजी लेकर ये बस जा रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी नूरपुर में एक स्कूल के बस के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। भाई एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, डीएसपी साहिल अरोड़ा, तहसीलदार डॉक्टर गणेश दत्त ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और घायलों को फौरी राहत देते हुए 5,000 की राहत दी है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे सूचना मिली, 8:45 के करीब का ये वाकया है कि एक जो बस है प्राइवेट टूरिस्ट बस थी, जिसमें ज्वाली के कुछ कौशल विकास योजना की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, वो डलहौजी घूमने जा रहे थे। उनकी बस जो जंगल हट के पास मनपुर में पैरापेट तोड़ के नीचे पलट गई है, तो मौके पे पुलिस और प्रशासन सारी एकदम से पहुंच गई। पहुंच के हमने पूरा एरिया कॉर्डन कर दिया, सर्च कर लिया है। जो भी घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। बाकी हम इसमें केस रजिस्टर कर रहे हैं, एफआईआर इसमें रजिस्टर कर रहे हैं और जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो तत्काल रहेगी। त्रिक्षा इंस्टीट्यूट है ज्वाली में लर्निंग एंड कैरियर डेवलपमेंट का, ये स्किल डेवलपमेंट है। उसके 40 बच्चों को लेकर एजुकेशनल टूर पे ज्वाली से आज डलहौजी खजियार जा रहे थे। रास्ता खराब होने के कारण इन्होंने अपना कि रास्ता रूट बदला और ये नूरपुर में जंगल हट के पास ये बस का एक्सीडेंट जो है 9 बजे हुआ। इस बस में लगभग 40 बच्चे सवार थे, 40 ही बच्चों को जो है इंजरीज हुई हैं और इसमें से 34 को जो है फर्स्ट एड दिया जा चुका हुआ है। 6 बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 5 बच्चों का जो है सीटी स्कैन किया गया है। एसएमओ साहब के रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये सारे बच्चे जो है सीटी स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल है और बच्चों को माइनर एब्रेशन माइनर फ्रैक्चर्स हुए हैं। प्रशासन की तरफ से जो है समस्त बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। दवाई का और एक्सरे का और जो सीटी स्कैन का जो है जितने भी एक्सपेंसिज है प्रशासन केयर करेगा और हर घायल को जो है अपनी तरफ से प्रशासन की तरफ से इसे 5,000 रुपये की फौरी राहत हमें स्पॉट में अभी हमको दे रहे हैं। इस बारे में अभी तक जो है कोई जानकारी नहीं आई है। इसमें डीएसपी साहब जो है अपनी पूरी अपने पुलिस फोर्सेज के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। बस के नीचे जो है कोई है तो उसके लिए हमने एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया हुआ है। इसको इंश्योर किया जा रहा है कि बस के नीचे कोई भी नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट जैसी ही आती है, इसमें मैकेनिकल रिपोर्ट जब भी आएंगे तो बस के एक्सीडेंट के कारण का खुलासा हो जाएगा। देखिए, मुझे जैसे सूचना मिली तो मैं तुरंत घर से मौके पे पहुंचा और एम्बुलेंस को फोन किया और अपनी गाड़ी सहित पेशेंट्स को जो है बच्चों को जो है हॉस्पिटल लेके आया और उनका ट्रीटमेंट करवाया। और लगभग जो एसडीएम साहब ने बताया कि 30 बच्चे जो इंजर्ड हैं और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया और स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल।